सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर हम सोफिया की तरफ बढ़े तो एक ही रात में आपका महल तबाह कर देंगे। इमरो की हिमायत से फौरी दस्तबरदार हो जाएं। हवेली के नीचे खोदी जाने वाली सुरंग हमें चंबरलताश के तहखाने तक ले जाएगी। भाइयों चलो जल्दी ये काम खत्म करें। पहले उस्मानियों को, फिर बलगारवी फौजियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाएंगे। हम उन सब का शिकार करेंगे। उस्मानी बाजार हिस्स गिर रही है। बैंकों के पास रकम के जखायर नहीं है। ये सिर्फ 2 घंटों में हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? हमला! सुल्तान मौसम को इत्तला दो, हम फतायाब हुए। हमला! तातार नामी जासूस को अपने साथ ले जाओ। शहजादे को मारकर बंदूक उसे पकड़ा देना। ठीक है, जीत हमारी ही होगी। इसका क्या मतलब है सुल्तान मौसम? आप ये कैसे कर सकते हैं शहजादे? हमारे भी फौजी मारे गए हैं। मौसम चलो चलो निकलो यहां से। तातार, अपने शहीदों का इंतकाम हम जरूर लेंगे, जल्द या बदेर। तहसीन पाशा, आपके शौहर अपने इल्जामात गलत साबित किए बगैर खुद को जाहिर नहीं करना चाहते। अब इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इनकी बीमारी की तशखीस नहीं कर सके। इन पे बुखार के असरात जाहिर हो रहे हैं। ये बदहवास होकर जाग जाते हैं। सुल्ताने मौज़म, इन्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। इन्हें मुकम्मल आराम करना होगा। परेशान मत हो तबीब साहब, अगर तहसीन पाशा उठना चाहें तो इन्हें बताएं सुल्ताने मौज़म का हुक्म है आराम करें। इन्हें बताएं कि सुल्ताने मौज़म के काम को संभालने के लिए इनका आराम करना बहुत जरूरी है। जो हुक्म सुल्ताने मौज़म। भुप्पी आप हमारे बगैर ही चले गईं। फिक्रमंद हो रहे थे हम। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हम ठीक हैं, फिक्र ना करें। बस कुछ ताज़ा हवा लेने हम बाहर गए थे। आप हमसे मिलना चाहती थी पुपी? जी हाँ अब्दुल कादिर। वो आदमी कहाँ है? कहाँ रखा है आपने उसे? जिंदान में। लेकिन वो सिर्फ आपकी वजह से जिंदान में नहीं है, उसने और भी बहुत से जराइम किए हैं, इसलिए वहां है। आप क्यों मुतजस्सिस हैं जमीला सुल्तान?
हम उससे बात करना चाहते हैं। आप उससे क्यों बात करना चाहती हैं? आप उससे ऐसी बातें सुन के अफसुर्दा हो जाएंगी। हम अफसुर्दा नहीं होंगे नाइमे, फिक्र ना करें। हम उससे सिर्फ उस गम के बारे में बात करना चाहते हैं जो उसने दिया है। पाशा हजरत, वो शुहादा जिनको हमने खोया है उनके वरसा का ख्याल रखा जाएगा, उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाएगा और उनकी तनख्वाहें मिलती रहेंगी। अहमद पाशा। जी सुल्तान मौसम। क्या आप जंगल में होने वाले हादसे के मुतालिक कोई मालूमात हासिल कर पाए? सुल्तान मौसम, हमारे सिपाही अपने साथ असली गोलियां लेकर नहीं गए थे। मैंने तहकीक की है, ततार से भी बात की है। उसके मुताबिक बलगारवी गुरोह इमरो ने यह किया है और उस गुरोह का सरबरा जिंदानची है, जो कि इमरो का सबसे खतरनाक तरीन दहशतगर्द है। उसका इरादा शहजादे फर्डिनेंड को कत्ल करना था। हमने सोचा था कि शहजादा फर्डिनेंड गिरोह के साथ आया है। सुल्तान मौसम, क्या ये दहशतगर्द शहजादा फर्डिनेंड को कत्ल करने का मनसूबा बना रहे हैं? पाशा आलमी हुकूमतें उनकी पुष्टपनाही कर रही हैं। वो हमसे उनका सामना करवाना चाहती हैं और उन्होंने इनको हमारा दुश्मन बना दिया है, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सुल्ताने मौजम, अगर बलगारवी हमसे जमीन चाहेंगे तो फिर हमारा क्या इकदाम होगा? पाशा, इस फौज ने 1876 में पजारदिक में शुरू होने वाली बगावत को कुचल कर खत्म किया है। उस वक्त उनको बर्तानिया की पुष्पनाही हासिल थी। बर्तानवी वजीर आजम ग्लैडस्टोन, इर्तिकाई नकाद चार्ल्स डार्विन, मुसन्निफ ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो, अतालवी सियासतदान जोसेफ गरिबल्दी ने हमारे बारे में बहुत सी खुराफात शाया की, लेकिन फिर भी ये साबित नहीं कर पाए कि हमने जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। वो कानून के खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान मौजम, मुआवजा चाहता हूं, लेकिन अगर उन्होंने बगावत का आगाज करके हमसे जमीन तलब की तो हम क्या करेंगे? हम तदबीर करेंगे पाशा। हमने साबिक शहजादे अलेक्जेंडर बेतिन बर्ग के साथ एक खुफिया मुहिदा किया था। हम उस खुफिया मुहिदे के तहत उनको अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बर्लिन मुहिदे की खिलाफ वर्जी की है। अगर किसी दिन वो हमसे रोमेली की जमीन तलब करते हैं तो हम उस मुहिदे के तहत पल भर में उनका तख्ता उलट सकते हैं। सुल्तान मौजम, ये बताएं कि ये मुहिदा कैसे शहजादे फर्डिनेंड का तख्ता उलट सकता है? क्या आप जानते हैं कि शहजादा अलेक्जेंडर बितनबर्ग क्यों अपने तख्त से दस्तबरदार हुए? मैं नहीं जानता सुल्तान मौजम, कैसा क्यों हुआ? जब अलेक्जेंडर बितनबर्ग तख्त नशीन हुए तो उन्हें पूरे यूरोप की हिमायत हासिल थी और यूरोपी चाहते थे कि बितनबर्ग हमसे जंग करे। उन्होंने जंग करने की तैयारियां शुरू भी कर दी थी। जब हमें इसकी खबर हुई तो हम एक ही दिन में उनके महल पहुंच गए और हमने उनके महल का मुहासरा करके उन्हें शिकस्त दे दी। हमने उनकी तमाम तैयारियों को रोक दिया और यूरोप के साथ उनके राब्तों को मुनक़ता कर दिया। हमें उनको उनके तख्त से दस्तबरदार करना पड़ा, लेकिन जब वो तख्त छोड़ रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ एक खुफिया मुहिदा किया। कैसा मुहिदा सुल्तान मौजम? ये रियासत का एक राज है पाशा, बहुत ही अहम राज, लेकिन ये जान लें कि ये राज इतना ताकतवर है कि बल्गारिया के शहजादे को उसके तख्त से उतार सकता है। अहमद पाशा। जी सुल्तान मौसम। शहजादा फर्डिनेंड की हिफाजत करें, हो सकता है कि वो गिरोह उस काम को खत्म करना चाहता हो। एहतियाती तदाबीर कर ली गई हैं। सुल्तान मौजम, माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन अब हमारे सामने असलहे का मसला है। इदारे चाहते हैं कि हम उन हथियारों की कीमत अदा करें जो हमने खरीदे हैं। वो इदारे हमारी मुआशी सूरत हाल से वाकिफ हैं और वो ये चाहते हैं कि या तो हम हथियारों की कीमत अदा करें और या फिर वो खरीदे हुए हथियार उन्हें वापस कर दें।
सुल्तान मौजम, मेरा अंदाजा है कि वो हम पे किए जाने वाले मुआशी हमले के मुतालिक जानते हैं। हम असलहा खरीद रहे हैं, इसकी अदायगी के लिए मतलूबा रकम का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन फिर वो हमारे लिए माशी बोरान पैदा कर देते हैं। पाशा, मालूम करें कि हमला कहां से हुआ है, यह भी मालूम करें किस ताजर ने अपनी रकम वापस ली है। उन्होंने ये इकदाम उस वक्त किया है जब हम असलहे की अदायगी करने ही वाले थे। हमें असलहा खरीदने के लिए वो रकम हासिल करनी होगी, वरना हमें असलहा उन्हें वापस करना पड़ेगा। पप्पी जान, आपको यकीन है कि आप ये करना चाहती हैं? वो बताएगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे। हम उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। पप्पी जान, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब्दुल कादिर, फिक्र ना करें, हम उस शख्स से पहले भी कई बार अकेले में मिल चुके हैं। दरवाजे के उस पार हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। खोलो दरवाजा। सुल्ताना, तुम जैसे मुजरिम की सजा के लिए यह जिंदान काफी नहीं है। तुमने हमें एक तारीख गढ़े से निकाल के दूसरे गढ़े में डाल दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे माफ कर दे सुल्ताना। तो तुम ही ने वो खतूत लिखे? जी, शहजादे से यही कहा मैंने। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम ही ने वो खतूत लिखे थे? नहीं, महमूद जलालुद्दीन ने लिखे थे। वो चाहते थे कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो इससे इनकार कर दूं। इसका मतलब महमूद जलालुद्दीन जिंदा है? अगर तुमने फिर से झूठ बोला या फिर से कोई चाल चल रहे हो, याद रखना तुम कल का सूरज नहीं देख सकोगे। हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी सुल्ताना। आइए बैठिए, बैठिए। आपके पास अहम मालूमात हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान का एक खुफिया मुहैदा है, जो कि उसने साबिक शहजादे अलेक्जेंडर विटनबर्ग के साथ तय किया था। कैसा मुहैदा? अब्दुल हमीद ने कहा कि ये रियासत का एक राज है, लेकिन इसमें ऐसी शिकें भी मौजूद हैं जो शहजादे फर्डिनेंड को हमलावर होने से रोक सकती हैं और उसका तख्ता भी उलट सकती हैं। एक खुफिया मुआहदा? हाँ बिल्कुल। अगर ये राज है तो फिर हमें ये मुआहदा जरूर हासिल करना होगा सुल्फलू इस्माइल पाशा। मुझे यकीन है कि ये मुआहदा शहजादे की गर्दन का पट्टा होगा। जालमन साहब, मैं आपको बता दूं कि मुहैदा फौजी मरकजी छावनी में है और उसे हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं। हम मुमकिनात को पसंद नहीं करते इस्माइल पाशा। मैं पहले फर्डिनेंड से बात करके उसकी आंखें खोलूंगा, फिर मैं मुहैदे को हासिल करके देखना बहुत जल्द उसे लगाम डालूंगा। बल्कि मैं एक तूफान शुरू करने वाला हूँ इस्माइल पाशा। शहजादे फर्डिनेंड को पहले ही यहाँ आने का पैगाम मिल चुका होगा, वो मेरे साथ शामिल होने का मुंतजिर है। मेरे लिए एक साफ लिबास का इंतजाम करें, एक आम लिबास। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हां, ये एक इंतहाई खुफिया मुलाकात होगी। मैं पाए तख्त में अब्दुल हमीद के हकीकी दुश्मन से मिलूंगा। हम भी जाएंगे।
नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। ये जनाब, यहाँ अंदर क्या हो रहा है? ये शराब खाना है, इसलिए इसकी ये हालत है। मैं इसे रोजाना यहाँ से लेकर जाता हूँ। शुक्रिया, अच्छी बात है। लानत हो इस जगह पर, काश ये दिवालिया हो जाए। बचो इससे, चलता हूँ। हमारी चाल कामयाब रही। अब्दुल हमीद, असलहे की कीमत अदा करने से कासिर है। हमने ताजिरों को जो भी हुक्म दिया था उससे उनकी भी रकम जाया हुई है। बाजार से अचानक अपना सरमाया निकाला, यकीनन इस पे बड़ी लागत आई है। और इसका फायदा यह हुआ कि अब्दुल हमीद असलहा हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल, हमने असलहा खरीदने से रोक लिया उसे, लेकिन जंग शुरू करने की साजिश नाकाम हो गई। आलमी हुक्मरानों के हुक्म पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तशरीफ रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं जुल्फलो इस्माइल पाशा, हम बादशाहों के लिए बादशाहत कायम करते हैं। जगह के मालिक आप हैं? जी, ये मेरी जगह है। अभी एक खुश लिबास शख्स यहाँ दाखिल हुआ था, कहाँ है वो? आप खुद देख लें। मैंने अच्छी तरह देखा है जनाब, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या यहाँ कोई और खुफिया जगह है? तौबा करें जनाब, खुफिया से आपकी क्या मुराद है? हम इज्जतदार लोग हैं, हम कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं करते जनाब। तो फिर वो आदमी कहां गया जो अभी दाखिल हुआ था? दुकान आपके सामने है, जहां चाहे तलाश करें, मुझसे मत पूछे। ये रास्ता कहां जाता है? बाहर। हो सकता है आपका आदमी यहां से दाखिल होकर उस दरवाजे से निकल गया हो। मरोगे। यहां से जाओ तुम, वरना हम सब यहां मारे जाएंगे। वो आदमी कहां है? हमने सुना है कि दहशतगर्दों ने आपको मारने की कोशिश की। आपने मालूम किया कि यह इकदाम कत्ल किसने किया? इमरो के ही एक दहशतगर्द ने, फर्क नहीं पड़ता। जिंदान जी, दरअसल वो आम आदमी है, अच्छा राजन है,
आपको क्या लगता है उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया जबकि वो आपके साथ एक ही रास्ते पर है? क्योंकि आपने अपना रास्ता बदल दिया है। आपने उन्हें वो मदद नहीं दी जो वो चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे मत के मुकाबले अब्दुल हमीद है, उसी ने मुझे यहां बुलाकर धमकी दी है। ये धमकियों से नहीं रोकेगा। अगर आप अब्दुल हमीद की ख्वाहिश के मुताबिक कदम नहीं उठाते तो आप वो सब खो देंगे जो आपके पास है। ऐसा ही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब मैं इमरो की खुफिया या खुली हिमायत नहीं करूंगा। आप करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको अब्दुल हमीद से निजात दिलाऊंगा। कैसे? अब्दुल हमीद ने आपके पेशरो शहजादे से खुफिया मुआहदा किया था। तो ये सच है? मैंने इस मुआहदे के बारे में सुना था लेकिन मैं इसकी तस्दीक करना चाहता था। ये सच है, सच है, आप यकीन कर सकते हैं। मैं आपको मुआहदे से बचाऊंगा और आप अब्दुल हमीद का असलाह खरीदेंगे और बस। आप चाहते हैं कि मैं वो हथियार खरीद लूं जो अब्दुल हमीद ने खरीदे हैं? ये मैं कैसे करूंगा? अब्दुल हमीद ने असले से लदे 3 जहाज खरीदे हैं। अगर हमारे पास इतनी रकम होती तो शायद। फिक्र मत करें, आपको ये रकम वो लोग देंगे जो आपको मेरी अदात करने का हुक्म देते हैं। कैसे? हथियारों की खरीदारी तक तो ठीक है, मैं बलगारवी फौज के लिए हथियार खरीदने के लिए भी राजी हूं, लेकिन मैं गैर कानूनी तरीके से आपसे रकम नहीं ले सकता। हम भी ऐसे ही नहीं दे सकते। एक ताजिर को हुक्म दिया गया है, वो आपको कानकुनी के इंतजाम के बदले में मतलूबा रकम फराहम करेगा। मंजूर है, मैं इसके अलावा और क्या चाह सकता हूं? मैं असलाह भी खरीदूंगा और बलगारवियों के लिए कानकुनी की इजाजत भी मिल जाएगी। कंपनी के मालिक प्यारे साहब पाए तख्त आएंगे। मैं चाहता हूं कि सब कुछ अब्दुल हमीद की आंखों के सामने हो। और फिर ये खबरें शाया होंगी कि अब्दुल हमीद अपने खरीदे हुए असलहे की हिफाजत नहीं कर सका, यहां तक कि बुल्गारिया का शहजादा भी उस्मानियों से मुआशी तौर पर ज्यादा ताकतवर है। शहजादा कहां है? कहां है शहजादा? जिंदान जी अपने किए पर शर्मिंदा है, वो दोबारा आपके लिए काम करेगा। और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो? वो ऐसा नहीं करेगा, फिक्र नहीं करें, वो मामला खत्म हो चुका है। जिंदान जी आपके साथ काम करेगा, आपको माहिदा चोरी करने के लिए उसकी और उसके लोगों की जरूरत होगी। फिर ठीक है। शहजादा किससे बात कर रहा है? किससे? क्या हो रहा है जनाब जालमन? जाहिर है कि आपको ताकुब किया गया है। नहीं, मेरा ताकुब नहीं किया गया। आपके कहने के मुताबिक निहायत खुफिया तरीके से आया हूं। डरे मत, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको कुछ नहीं होगा। Thank you.
जमीला सुल्तान, खुश आमदीद, आइए। शुक्रिया। फूफी जान, आप ठीक है ना? क्या हुआ, क्या कहा उसने? हम नहीं जानते उससे मिलने के बाद फूफी जान ने कोई बात नहीं की हमसे। क्या आप उनके साथ नहीं थे? फूफी उससे तन्हाई में बात करना चाहती थी। क्या उस शख्स ने आपको कुछ ऐसा बताया जिससे आप परेशान हैं? उसके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जैसा शख्स काबिले भरोसा नहीं हो सकता। आप खुद को हलकान मत करें जमीला सुल्तान। वो अपने किए की कीमत अदा करेगा फूफी जान। उसे बहुत कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे हम। नहीं, हम नहीं चाहते कि उसे सजा दी जाए। जो दूसरे जरायम उसने किए हैं, अगर उसकी सजा खत्म हो जाए तो उसे जाने दिया जाए। हमने उसे माफ कर दिया। आप ऐसे कैसे माफ कर सकती हैं? उसने आपसे ऐसा क्या कहा कि आपने उसे माफ कर दिया? हमारे ख्याल में वो कुछ भी कहे उसे माफ करने के लिए काफी नहीं होगा। उसके खानदान की वजह से, जैसा कि हमने आपसे कहा था बिदार खातून, बरसों बाद दिल को धड़कता हुआ महसूस किया। हमने उसे इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने हमें जीने की उम्मीद दिलाई, और कोई वजह नहीं। आप एक बार फिर जमीला सुल्तान को कायल करने में कामयाब रहीं कि उनके शौहर जिंदा है। हम एक बार फिर उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना लेंगे। क्या गुलजमाल और महमद की शादी करवाना जरूरी है? इस बार मैं पुख्ता काम करने का इरादा रखती हूँ। मुकद्दस अमानतों के इतने करीब पहुंचने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकती। आओ गुलजमाल। मदाम। आओ बैठो। मेहमत कैसा है? वैसे ही अपनी जिंदगी से नाखुश। वो मुझे देखना भी नहीं चाहते अब। यहाँ तक कि वो अब तौफीक पाशा की बहन बहार के करीब हो गए हैं मदाम। वो दोनों पेरिस भी एक साथ जाएंगे। लेकिन वो बहार से नहीं, तुम से शादी करेगा। लेकिन आपने? हाँ, मैं तुम्हारी शादी से दस्तबरदार हुई थी, मगर अब मेरा इरादा बदल गया है। हम अपने मंसूबे पर दोबारा काम करेंगे गुलजमाल। ये नामुमकिन है। महमद अब मुझे नहीं चाहते। दो दिन के बाद वो पेरिस चले जाएंगे मदाम। आप काम ही ऐसा करेंगी गुलजमाल कि महमद पेरिस जाने से पहले आपसे शादी कर ले। सुल्तान मौज़म, आपने मुझे तलब फरमाया, मैंने जैसे ही सुना मैं फौरन आ गया। इस्माइल हक साहब, तहसीन पाशा की हालत आपके सामने है। हम चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, दुआएं करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। आइए मिलकर अल्लाह की बारगाह में इनकी सेहत के लिए दुआ मांगें। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिहि शैयुन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम। या शाफी, या शाफी, या शाफी। आपकी मुलाकात कैसी रही शहजादे?
अच्छी रही, लेकिन हमें एक मसले का सामना करना पड़ा। कैसा मसला? क्या हुआ शहजादे? किसी ने मेरा ताकुब किया, या मुझे ऐसा महसूस हुआ। शहजादे, हम में से कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता। हो सकता है उनमें से किसी और का ताकुब किया गया हो। हम पर छापा मारा गया, लेकिन कोई इम्कान नहीं कि किसी दूसरे आदमी का ताकुब किया जा रहा हो। काश कि हम उस वक्त आपके साथ होते, तो वहां से कैसे निकले आप? उस जगह पर बहुत से दाखिली और खारजी रास्ते थे। जब हमें एहसास हुआ कि हम पर छापा मारा गया, तो हम दूसरे दरवाजे से निकल गए। हमें आपको तन्हा नहीं जाने देना चाहिए था। अब अगली बार हम आपके साथ होंगे शहजादे, अकेले मत जाइएगा। शुक्रिया। जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है तो आप मेरे साथ होते हैं। एक मेहमान आ रहा है, मैं चाहता हूं आप उसका इस्तकबाल करें। कौन? पियर दाविन, एक ताजिर, कारखानों और बंदरगाहों का मालिक। हम यकीनन उनका खैर मकदम करेंगे, लेकिन उनका हमारे साथ क्या ताल्लुक? अब्दुल हमीद को फरोख्त किए जाने वाले हथियार हम खरीदेंगे। और ये ताजिर हमें रकम फराहम करेगा? यकीनन, लेकिन बदले में वो हमसे कानकुनी का निजाम हासिल करेगा। ये एक फर्जी मुआहदा होगा। उन किताबों को भी बक्से में रखते हैं। आप क्यों आई हैं गुलजमाल? क्योंकि मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकती हूं। बाकी काम बाद में कीजिएगा, आप जा सकती हैं। अनकरीब आप दोबारा हमें कभी नहीं देख पाएंगी। हम पेरिस जाने का फैसला करके बहुत खुश हैं। मेहमत, आप जानते हैं मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकती। आदी हो जाएंगी आप। हम दोबारा आपसे नहीं मिलना चाहते गुलजमाल। मैं दोबारा आपके सामने नहीं आऊंगी। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी मेहमत। गुलजमाल, ये क्या कर रही हैं? मैं हम दोनों की तकलीफ को खत्म कर दूंगी मेहमत। आपने मुझे कहा आप मुझे देखना नहीं चाहते, और मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। गुलजमाल, खुदा के लिए इस खंजर को नीचे कर, खुदा के लिए। मैं आपके लिए इसे आसान बनाना चाहती हूँ। ये हम दोनों को आजाद कर देगा मेहमत। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हर चीज से, हर किसी से बढ़कर मोहब्बत करती हूँ। गुलजमाल, ये खंजर हमें दे दे। आप नहीं, खंजर हमें दे दीजिए। क्यों? खंजर हमें दे दे। हमने कहा इसे छोड़े। मैं खुद से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करती थी। छोड़ो मुझे, मैं आपके बगैर जीने पर मरने को तरजीह देती हूँ मेहमत। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन ये कदम क्यों उठाया आपने? खुद को तकलीफ देने के बारे में क्यों सोचा? मैं आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकती हूँ। आप मुझसे पेरिस जाने से पहले शादी कर ले, मेहरबानी करें। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं मुसलमान हो गई हूँ।
भैया आपके सामने दोबारा कलमा शहादत पढ़ती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुल्तान मौसम, क्या खबर है बिनाम? मैंने यहां आने के लिए बहुत खतरा मोल लिया है। एक अहम खबर है सुल्तान मौसम। वो क्या है? शहजादे ने एक इजलास में शिरकत की, मैंने उसका ताकुब भी किया लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच सका। तो फिर इजलास के बाद वो मुझसे चाहते हैं कि पाया तख्त आने वाले एक फ्रांसीसी ताजिर का मैं इस्तकबाल करूं। उसका नाम डेविन है। मकसद क्या है उनका? सुल्ताने मौसम, वो डेविन बलगारवियों से कानकुनी का इंतजाम हासिल करेगा जिसके लिए बड़ी रकम अदा करेगा, और शहजादा फर्डिनेंड वो रकम उन हथियारों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करेगा जो उस्मानियों को नहीं मिल सके। यानी वो हमें दुनिया के सामने रुस्वा करेंगे? जी, बदकिस्मती से अगर उस्मानियों की साख को इस हद तक नुकसान पहुंचा तो बलकान के लोग जो भी मजबूत नहीं है वो भी उठ खड़े होंगे। हम इन हथियारों को उनके पास नहीं जाने दे सकते। हमें इसके लिए तदबीर इख्तियार करनी होगी। हमें रियासत के वकार का तहफ्फुज़ करना होगा। मदाम ब्लावास्की, आपको बताने के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। आप ठीक कह रही थी, उस शख्स ने महमूद को बचाने के लिए वो बातें की। हमने यकीन कर लिया था कि हमें धोखा दिया गया है। आपने हमें एक बड़ी गलती से बचा लिया। अगर मैं आपके किसी काम आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन ऐसा ही हुआ है। हम पहले से कहीं ज्यादा आपके ख्यालात से इस्तफादा करना चाहते हैं, बिलखुसूस इस मौजू पर। आपके अलावा किसी पर नहीं कर सकते भरोसा। बैठिए। शुक्रिया। मैं भी आपसे ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहूंगी। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वैसे भी हम महल में सबके सामने आराम से बात नहीं कर सकते। आप ठीक कह रही हैं। हम यहाँ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आने से बेदार खातून भी मुतवज्जा होंगी। उन्हें हम पर शक हो सकता है और हम ये नहीं चाहते। फिर उनके शक को दूर करने के लिए कोई वजह तलाश करते हैं। किस किस्म की वजह? एक मंसूबा है मेरे पास। पियर डेविन नामी एक सनतकार और ताजिर, हम इस शख्स के बारे में तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है? वकार का मामला है पाशा, इज्जत और साक का मामला। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्ताने मौज़म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्ताने मौज़म, असलहे साज इदारों ने आखिरी मोहलत दी है। उनका कहना है कि अगर 48 घंटों के अंदर अदायगी ना की गई तो वो हथियार वापस ले लेंगे। वो उन्हें बल्गारिया को फरोख्त करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो शहजादे को बुलाएं। जो आपका हुक्म। जब मोहब्बत आपकी तरह सच्ची हो तो वो किसी भी रुकावट को खातिर में नहीं लाती। आपने मेहमत के साथ एक बार फिर ये साबित कर दिया है बेटी। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे इंशाल्लाह। आमीन। हम अफसरदा थे कि मेहमत पेरिस अकेले जा रहे हैं, लेकिन अब जब आप उनके साथ होंगी तो
तो हमें ज़हनी सुकून रहेगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगी। हमें पूरा यकीन है। हमने सोचा था कि हम आपकी शादी धूमधाम से करेंगे। आप अफसुर्दा मत हो, शायद ये आपके ख्याल के मुताबिक ना हो, लेकिन हम अपने कुछ दोस्तों के लिए खाने का एहतमाम जरूर करेंगे। अल्लाह हमें पोते पोतियों की खुशी देखना नसीब करे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। चलिए बेटी चलिए, आपको दिखाते हैं कि मेहमत के लिए क्या तैयार किया है। शायद आप उसमें से कुछ पैरिस ले जाना चाहें। इजाजत दीजिए। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि पुप्पी जान उस वाकये के असर से इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगी। गुलजमाल और मेहमत की शादी के फैसले ने उन्हें उनकी परेशानी भुला दी है। सच तो यह है कि आपकी पुप्पी ने हमें भी हैरत में डाल दिया है। इंशाल्लाह ये किसी और मसले का पेश खैमा नहीं होगा नायमे बेटी। सुल्तान मौसम, फर्डिनेंड साहब, ये बताइए कि आपको शहजादे के तख्त पर किसने बिठाया? रूस ने और उसके साथ बर्तानिया ने, और हमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस को भी नहीं भूलना चाहिए। आप उनकी नशिस्त पर बैठे हैं, आपको उनकी पुश्तपनाही हासिल है। मैं आपकी परेशानी समझ नहीं सका, ये कोई नया मसला नहीं है, आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? आप उस असलहे की ख्वाहिश रखते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं। जैसा मैंने सुना है कि आप असलहा खरीदने की ताकत नहीं रखते, तो ठीक है, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक बल्गारिया यह हथियार खरीदने का मजाज है, और पायतख्त में होने की वजह से हथियारों की नकलो हमल में लागत भी कम आएगी। सिर्फ एक चीज है जो कम हो रही है, वो है आपकी जिंदगी। जाइए। सुल्तान मौजम के हुक्म से मैं आपको तहसीन पाशा के पास ले जाऊंगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आज पास्तोर इदारा है तो सुल्तान अब्दुल हमीद की ही बदौलत है। शहजादे आपके मुंतजर हैं। हम तमाम तुर्कों को गुलाम बनाए बगैर उनसे निजात हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल हमीद का एक मुआहदा है जो उसने साबिक शहजादे के साथ किया था, एक खुफिया मुआहदा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसे मेरे पास ले आए। सामान ले लिया गया है, हमारा काम मुकम्मल हुआ। मैक्टल अब्दुल हमीद के लाए हुए नए तबीब को अगवा कर लेगा। हम तबादला करेंगे उनसे, यानी करासो के बदले तहसीन पाशा की जिंदगी।